भाजपा से कांग्रेस में आए बड़बोले नेता शेखावत की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जहां टिकट वितरण के बाद ही स्थानीय कांग्रेसियों द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है, वहीं शेखावत ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और पत्रकारों को आमंत्रित किया। मीडिया ने कोरोना काल को लेकर उनसे सवाल पूछा, जहां शेखावत बौखला गए। उन्होंने पत्रकारों को गोदी मीडिया का तमगा दे डाला और साथ में नसीहत भी दे दी, यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। शेखावत के द्वारा मीडिया को लेकर दिए गए इस बयान से बदनावर मीडिया जगत आक्रोश में देखा जा रहा है। शेखावत के इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और शेखावत की मुश्किलें भी अब बढ़ गई है। बदनावर से बंटी सिंह चौहान की रिपोर्ट। कोरोना काल सिर्फ बदनावर में नहीं था, पूरे देश में था, दुनिया में था। जितना संकट में जनता यहाँ की उतना संकट इंदौर में भी रहा होगा, बाकी जगह रहा होगा। जो यहाँ थे उन्होंने अपनी अपनी मदद की, यहाँ की क्या दिक्कत है। लेकिन ये तो राजनीतिक प्रदर्शन थोड़ी है भाई। कठिनाई, बीमारी, महामारी कहीं भी आती है तो सबके लिए आती है, सबको करना पड़ता है। इंदौर वाले बहुत सुखी थे, बनवाल वाले बहुत दुखी थे, ऐसा था क्या? यहाँ भी बेचारे परेशान थे, वो भी परेशान थे, पूरे देश में परेशान थे। कुछ जगह होती चाहे वहाँ रहते हैं, यहाँ रहते, क्या कर ले। और आप मेरे से पूछ रहे हो, कभी ये प्रश्न राजभवन से पूछा गया आपने कि आपने कोरोना काल में क्या किया? मैंने तो कम से कम वो कौन सी बोतलें होती वो भेजी थी 2 लाख रुपये। पूछ लेना और नोट कर लेना आपकी डायरी में और लिखना। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं जो हम कर सकते थे, हम देखिए जितना हमारे पास संभव था। आप देखिए मीडिया नहीं है, पुरानी जो भारतीय जनता पार्टी थी और आज की भारतीय जनता पार्टी, क्या परिदृश्य देखते हैं आपको? ऐसा क्या हुआ कि आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी? मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल सिद्धांतों से, भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति खरीद के सरकारों को खरीद करके ये धंधा नहीं करती। अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह बदल चुकी है, ये शुद्ध धंधेबाज पार्टी हो गई। जैसा आपका भी मंत्री आया ना, कितने करोड़ लेके आया, पूछा आपसे कभी उससे बना जी कितना लेके आए थे और आने के बाद कितना कमाया है? पिछले 4 साल से कमाई का आंकड़ा मालूम है? सिर्फ 63 करोड़ आरईएस का है जो पैसा निकाला गया, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। सिर्फ आरईएस की ग्रेवल रोड का 63 करोड़ निकला है, 63 करोड़ जो लग जाना था बिना काम के निकला है।